हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे चैप्टर 6 स्टाफिंग। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के तीन एलिमेंट्स हैं। द फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट, सेकंड इज सिलेक्शन एंड थर्ड इज ट्रेनिंग। दैट इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग के कॉम्बिनेशन से स्टाफिंग फंक्शन बनता है। तो व्हेन वी ऐड रिक्रूटमेंट प्लस सिलेक्शन प्लस ट्रेनिंग, वी गेट स्टाफिंग। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग, दैट इज रिक्रूटमेंट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन स्टाफिंग प्रोसेस। रिक्रूटमेंट जो है, ये एक प्रोसेस है ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें वी आर फाइंडिंग आउट फ्यूचर लाइकली एम्प्लॉयज एंड देन वी आर एनकरेजिंग these employees to apply for the jobs in an organization. Now, recruitment का जो end result है, that is basically एक organization में large number of applications आ जाती हैं and from these applications, the organization can do the selection for the best candidate. So basically, there are certain sources of recruitment. The first source is internal source of recruitment and the second source is external sources of recruitment. जो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हैं, दैट इज दैट सोर्स जिसमें हम कैंडिडेट्स को इनवाइट करते हैं फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, वी आर फिलिंग अप द वेकेंट जॉब पोजीशंस विद दीज एम्प्लॉयज ओनली, और किसी भी आउटसाइडर्स को हम परमिट नहीं करते इन केस वी आर मेकिंग यूज ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, इसमें वेकेंट जॉब पोजीशंस फिलअप की जाती हैं बाय इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओनली। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये इनवाइट करती है कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू फिल द वेकेंसीज, दैट इज टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशंस। इन अदर वर्ड्स वी कैन से, जब ऑर्गेनाइजेशन को अपनी मैन पावर रिक्वायरमेंट ओवरकम करनी है फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, देन इट मेक्स यूज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में लार्जर नंबर ऑफ जॉब पोजिशंस वेकेंट होती हैं, एट दैट टाइम ऑर्गेनाइजेशन यूजली प्रेफर्स एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, क्योंकि जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है वो सफिशियंट नहीं होता टू फिल दीज वेकेंट जॉब्स। सो दैट इज वाई इट has to opt for external sources of recruitment. Now there are basically two sources of internal recruitment. So internal recruitment jo hai, it can be either transfers or promotions. Transfers ko hum define karte hain, shifting an employee from one job position to other at same level of authority. Yani ki jab hum ek employee ko ek job position se dusri job position mein शिफ्ट कर रहे हैं, बट दैट इज एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर। यानी कि हम एक एम्प्लॉय को शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन जॉब टू द अदर, और फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, और फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, एंड देर इज नो चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सैलरी एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय। सिर्फ जो वर्क प्लेस है वो चेंज होता है। तो ट्रांसफर को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज। जो शॉर्टेज किसी सूटेबल एम्प्लॉयज़ की एक डिपार्टमेंट में हम फेस करते हैं, दैट कैन बी फिल्ड थ्रू ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट जहाँ पे देयर इज ओवर स्टाफिंग, एंड दैट ओवर स्टाफ्ड एम्प्लॉय कुड बी ट्रांसफर टू द दैट डिपार्टमेंट जहाँ पे हमें एम्प्लॉय की शॉर्टेज हो रही है। तो जो जॉब ट्रांसफर्स हैं, ये हेल्पफुल हैं इन अवॉइडिंग टर्मिनेशन। हमें किसी एम्प्लॉय को निकालना नहीं पड़ता। इन केस किसी डिपार्टमेंट में ओवर स्टाफिंग है, तो दैट एम्प्लॉय कैन बी शिफ्टेड टू द अदर डिपार्टमेंट। तो हम टर्मिनेशन अवॉइड कर रहे हैं यहाँ पे, एंड वी आर ऑल्सो रिमूविंग इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेस। तो जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि एम्प्लॉय को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी और पर्टिकुलर जॉब में जिसके लिए वो कैपेबल है, दैट इज दैट वर्क ही नोज हाउ टू परफॉर्म। ओनली इन दैट जॉब वी कैन ट्रांसफ़र एन एम्प्लॉय। सो ट्रांसफ़र जो है, इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज फॉर लर्निंग डिफरेंट जॉब्स। सेकेंड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज प्रमोशन। तो प्रमोशन भी एक इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है।
प्रमोशन में बेसिकली वी आर शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम अ लोअर जॉब पोजिशन टू अ हायर जॉब पोजिशन. तो प्रमोशन जब हम करते हैं किसी भी एम्प्लॉय की, वो लोअर जॉब पोजिशन से हायर जॉब पोजिशन पे शिफ्ट हो जाता है. तो बेसिकली इन दैट केस उसका जो अथॉरिटी लेवल है, उसका रैंक, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी प्रेस्टीज, दैट बेसिकली इम्प्रूव्स और इंक्रीज. तो जनरली जो प्रमोशंस हैं उनमें देयर इज इंक्रीज इन कॉम्पनसेशन और सैलरी ऑल्सो. और ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है एम्प्लॉयज़ में, क्योंकि जो प्रमोशंस हम प्रोवाइड करते हैं दैट वी बेसिकली प्रोवाइड फ्रॉम अ लोअर जॉब टू अ हायर जॉब पोजिशन. तो जब हायर लेवल मिलता है किसी भी एम्प्लॉय को, तो दैट मे लीड टू अ चेन ऑफ प्रमोशंस एट लोअर लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. बाकी के जो एम्प्लॉयज़ हैं दे ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग हार्ड बिकॉज दे फील कि दे विल बी गेटिंग प्रमोशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीनियरिटी. एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर मे बी जब हम एक स्कूल टीचर को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफर. या हम किसी क्लर्क को शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम अकाउंट्स डिपार्टमेंट टू परचेज डिपार्टमेंट, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर. और प्रमोशन के केस में जब हम एक स्कूल टीचर को वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रमोशन, क्योंकि वो टीचर एक लो जॉब पोजिशन से एक हाई जॉब पोजिशन में शिफ्ट हुई है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रमोशन. नाउ लेट अस टू द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. नाउ देर आर सर्टेन मेरिट्स एज वेल एज डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. द फर्स्ट मेरिट इज मोटिवेट्स एम्प्लॉयज. जो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हैं, ये बेसिकली एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं सो दैट दे विल इम्प्रूव देयर performance. As we are providing promotions to employees, और promotions के case में एक employee को हम lower level से higher level job position provide कर रहे हैं, तो that basically leads to a chain of promotions at lower levels in the organization. और जो employees हैं वो motivate होते हैं to improve their performance through learning and practice. Employees ज़्यादा कमिटमेंट से, ज़्यादा लॉयल्टी से वर्क करना शुरू कर देते हैं एंड दे रिमेन सैटिस्फाइड विद देयर जॉब्स ऑल्सो. ऑल्सो इन द ऑर्गेनाइजेशन पीस प्रिवेल्स, क्योंकि जो भी काम हो रहा है पीसफुली किया जा रहा है एंड दैट इज़ बेसिकली ड्यू टू प्रमोशनल एवेन्यूज. क्योंकि प्रमोशन प्रोवाइड की जा रही है तो हर एक एम्प्लॉय जो है पीसफुली वर्क करता है एंड देर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट इन द केस ऑफ सच एंटरप्राइजेस. नेक्स्ट मेरिट इज लेस एक्सपेंसिव. जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है ये इकोनॉमिकल है, क्योंकि वेन वी आर फिलिंग जॉब्स इंटरनली दैट इज बेसिकली चीपर एज कम्पेयर टू गेटिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज. थर्ड मेरिट इज सिंपल प्रोसेस. इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है इसमें जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन और प्लेसमेंट है दैट इज़ बेसिकली वेरी सिंपल, क्योंकि जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी हमारी एंटरप्राइज में वर्क कर रहे हैं हम उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं ज़्यादा एक्यूरेटली और इकोनॉमिकली एंड दीज एम्प्लॉयज़ आर बेसिकली मोर रिलायबल एंड दैट इज़ वाई वी से जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है दैट इज़ मोर रिलायबल. और इन कैंडिडेट्स को हम ऑलरेडी जानते हैं तो दीज कैंडिडेट्स कैन बी provided promotion or transfer within the organization. So that is why internal source of recruitment jo hai ye ek simple process hai. Next merit is a tool of training. ट्रांसफ़र जो है इट इज़ अ टूल ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि जब हम एम्प्लॉयज़ को हायर जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं एट दैट टाइम एन एम्प्लॉय मे बी शिफ्टेड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर वन. तो जिन लोगों को हम रिक्रूट कर रहे हैं फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस दे डू नॉट नीड एनी इंडक्शन ट्रेनिंग. तो दिस इज़ वन ऑफ द मेरिट ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. लास्ट मेरिट इज एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ. जब हम ट्रांसफर्स प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को दैट इज़ वी आर शिफ्टिंग वन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर और फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, तो ये जो बेनिफिट है हमारा शिफ्टिंग वर्कफोर्स का दैट इज़ फ्रॉम सरप्लस डिपार्टमेंट्स टू दोज वेयर देर इज़ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ. क्योंकि जब जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं, ओवर स्टाफिंग है, वहाँ से हम किसी भी एम्प्लॉय को शिफ्ट कर सकते हैं किसी और डिपार्टमेंट में वेयर देर इज़ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ. दिस इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ओनली.
Now let us see the demerits of internal sources of recruitment. The first demerit is it reduces the scope of induction of fresh talent. जब कोई enterprise vacant job positions को fill करती है through internal promotions, तो जो scope है for induction of fresh talent, that is reduced. क्योंकि जो बाहर के employees हैं that don't enter the organization, तो organization के पास limited choice होती है. That is why this is one of the demerit of internal sources of recruitment. Second demerit is employees may become lethargic. अब employees जो है they become basically lazy because they are sure of time bound promotions. Employees knows कि they will be promoted on the basis of their seniority and that makes them lethargic or lazy in the work performance. Next demerit is incomplete source. Internal source of recruitment जो है ये नई enterprises के case में it cannot be used. कोई भी organization जो है it cannot fill all its vacancies from only internal sources. तो जो existing staff है they may be insufficient or they may not fill the eligibility criteria of the jobs that we need to fill in the organization. So that is why this is also one of the demerit, क्योंकि internal source of recruitment जो है they are incomplete source. Next demerit is low productivity. जब हम एक employee को frequently transfer कर रहे हैं from one branch to another, from one department to another, तो it often reduces the productivity of the organization. क्योंकि अभी एक employee एक जगह पे एडजस्ट हुआ है, वहाँ का काम उसने सीखा है, एंड देन व्हेन ही इज एट द लर्निंग स्टेज वी आर ट्रांसफरिंग दैट एम्प्लॉय टू अनदर डिपार्टमेंट और टू अनदर ब्रांच, तो वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएगा और प्रोडक्टिविटी जो है उस एम्प्लॉय की भी रिड्यूस हो जाएगी एंड इससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अफेक्टेड. लास्ट डिमेरिट इज लैक ऑफ कंपटीशन. जो स्पिरिट ऑफ कंपटीशन है अमंग द एम्प्लॉयज दैट मे बी हैम्पर्ड. क्योंकि जब हम इंटरनली एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं तो दीज एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टिंग ऑटोमेटिक प्रमोशंस एंड दैट टू बाय देयर सीनियोरिटी. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डीमेरिट ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. नाउ लेट अस स्टार्ट विद एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के अंडर एक एंटरप्राइज इन्वाइट करती है कैंडिडेट्स को फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू फिल वेरियस वैकेंसीज दैट अराइज विद इन द एंटरप्राइज. तो जो हमारे कॉमनली यूज एक्सटर्नल सोर्सेज एंड रिक्रूटमेंट के लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. द फर्स्ट सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंडर जो एंटरप्राइज है वो एक अपने नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस प्लेस करती है जिसमें वो स्पेसिफाई कर देते हैं द डिटेल्स ऑफ द जॉब्स अवेलेबल विद इन द एंटरप्राइज. और जो जॉब सीकर्स हैं दे बेसिकली असेंबल आउटसाइड द प्राइमिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट जो हमने स्पेसिफाई कर रखी है उस पर्टिकुलर नोटिस में, एंड देन द सिलेक्शन इज डन ऑन द स्पॉट. तो जो ये प्रैक्टिस है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की ये फॉलो की जाती है यूजुअली फॉर कैजुअल वैकेंसीज ऑफ अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब्स. तो ये जो वर्कर्स हैं दे आर बेसिकली नोन एज कैजुअल और बादली वर्कर्स एंड इनको रेम्यूनरेशन पे की जाती है ऑन डेली वेज बेसिस. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है ये सूटेबल है फॉर फिलिंग कैजुअल वैकेंसीज, क्योंकि जब भी देर इज रश ऑफ वर्क और वेन सम परमानेंट वर्कर्स आर एबसेंट फ्रॉम द वर्क एट दैट टाइम हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का यूज़ करते हैं इन द एंटरप्राइज. और इस मेथड की एडवांटेज है कि एक इनएक्सपेंसिव मेथड है क्योंकि यहाँ पे कोई कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑफ वैकेंसीज इन्वॉल्व नहीं हो रही. नेक्स्ट सोर्सेस लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स. लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो है दे बेसिकली एक्ट एज मिडलमैन बिटवीन द लेबरर्स एंड द एंटरप्राइजेस. लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं दे कीप इन टच विद द लेबरर्स इन द विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स और इन लेबरर्स को देन दीज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स दे ब्रिंग टू द प्लेसेस वेयर वर्कर्स आर रिक्वायर्ड. जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है वर्कर्स की ये इन लेबरर्स को विलेजेस और स्मॉल टाउन से लेकर आ जाते हैं. थ्रू लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स ओनली अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर इज रिक्रूटेड. जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं और जो हमें सेमी स्किल्ड लेबर्स रिक्रूट करने हैं दैट कैन बी बेसिकली फिल्ड विद द हेल्प ऑफ लेबर
कॉन्ट्रैक्टर्स, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं ये दे आर रेडी टू सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वान्टिटी ऑफ वर्कर्स एंड दैट टू ऑन शॉर्ट नोटिस ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन कमीशन. ये कुछ कमीशन चार्ज करते हैं एंड देन दे सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वान्टिटी ऑफ वर्कर्स. लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं दीज आर बेसिकली themselves the employees of the enterprise. तो इस मेथड की डिसएडवांटेज है कि जब भी एक कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड करता है कि एंटरप्राइज को वो छोड़ देगा तो एट दैट टाइम ऑल द वर्कर्स एम्प्लॉयड थ्रू हिम दे विल ऑल्सो लीव द वर्क. तो ये जो मेथड है रिक्रूटमेंट का दिस इज़ बेसिकली पॉपुलर इन कंस्ट्रक्शन वर्क्स. नेक्स्ट इज कैजुअल कॉलर्स. अब कैजुअल कॉलर्स जो है ये एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है जिसमें मेनी वेल नोन कंपनीज दे बेसिकली मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ अनकॉल्ड एप्लीकेंट्स इन देयर ऑफिसेज. जिन एप्लीकेंट्स को उन्होंने बुलाया ही नहीं फॉर फॉर द जॉब और फॉर द वैकेंसीज उन एप्लीकेंट्स का एक रिकॉर्ड रखा जाता है बाय सर्टेन वेल नोन कंपनीज. और जो जॉब सीकर्स हैं दे कैन बी अ यूजफुल सोर्स ऑफ मैन पावर. इनकी जो एप्लीकेशंस हैं इनको लेकर कंपनीज जो हैं अपनी फाइल्स में दे कीप देम सेफ एंड दे कीप देम एज पेंडिंग इन अ फाइल. तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं अगर इनको प्रॉपरली मेंटेन किया जाए तो दे कैन बी अ वेरी यूजफुल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जब भी कोई वैकेंसी अराइज होती है एंटरप्राइज में. वेन एवर अ जॉब वैकेंसी अराइजेस हम सूटेबल कैंडिडेट्स को इस वेटिंग लिस्ट से रिक्रूट कर सकते हैं. तो इस सोर्स का जो एडवांटेज है दैट इज इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग वर्कफोर्स इन कंपैरिजन टू अदर सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो हैं दीज आर बेसिकली रन बाय गवर्नमेंट्स हेल्प एंड ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं ये मैच करती हैं पर्सोनल की डिमांड और सप्लाई को बाय सर्विंग अ लिंक बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स. यानी कि जो एप्लीकेंट्स हैं उनके बीच में और एम्प्लॉयर्स के बीच में ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो हैं दे सर्व एज अ लिंक. और जब भी एम्प्लॉयर्स को ज़रूरत होती है एम्प्लॉयज़ की एट दैट टाइम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो हैं डिमांड ऑफ एम्प्लॉयर्स को फुलफिल कर देती है बाय सप्लाइंग द रिक्वायर्ड एप्लीकेंट्स टू दीज एम्प्लॉयर्स. एक सुटेबल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है फॉर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स के लिए. और इसकी जो डिसएडवांटेज है दैट इज़ बेसिकली जो रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के ज़्यादातर वो अप टू डेट नहीं होते एंड मैनी ऑफ द कैंडिडेट्स दे बेसिकली विच आर बेसिकली रेफर्ड बाई दीज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस दे मे नॉट बी फाउंड सुटेबल ऑल्सो. तो जो इनके अप टू डेट रिकॉर्ड्स नहीं होते उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ रिक्रूटमेंट बाई द एंटरप्राइजेस. नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन. अब एक प्रैक्टिस जो है ऑफ टेलीकास्टिंग वेकेंट पोस्ट ओवर टेलीविजन ये भी आजकल एक इम्पॉर्टेंस गेन कर रहा है. डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स जो हैं जॉब की और जो क्वालिटीज़ हमें चाहिए टू डू अ पर्टिकुलर वर्क उनको पब्लिसाइज कर दिया जाता है अलॉन्ग विद द प्रोफाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे भी वैकेंसी एग्जिस्ट करती है. तो बेसिकली जो एडवर्टाइजिंग है टेलीविजन के थ्रू दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. नेक्स्ट इज वेब पब्लिशिंग. आजकल जो है इंटरनेट एक कॉमन और पॉपुलर सोर्स है रिक्रूटमेंट का क्योंकि देर आर सर्टेन वेबसाइट्स जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई हैं टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ जॉब सीकर्स एंड जॉब प्रोवाइडर्स. ये जो वेबसाइट्स हैं इनको फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ जॉब सीकर्स और कंपनीज जो सर्च कर रही हैं सुटेबल एम्प्लॉयज़ को. कुछ वेल नोन वेबसाइट्स हैं जैसे कि हमारी www.naukri.com, www.timesjob.com, www.clickjobs.com etc. नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट्स इन न्यूज़पेपर्स. यानी कि एडवर्टीजमेंट्स इन न्यूज़पेपर्स और ट्रेड एंड प्रोफेशनल जर्नल्स ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स है रिक्रूटमेंट का व्हेन वी रिक्वायर वाइडर चॉइस फॉर फिलिंग द वैकेंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन. इस सोर्स के एडवांटेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन की और जॉब की दैट कैन बी गिवन इन द एडवर्टीजमेंट. और जो एडवर्टीजमेंट्स हैं दे बेसिकली गिव्स द मैनेजमेंट अ वाइडर रेंज ऑफ कैंडिडेट्स
फ्रॉम विच दे कैन डू दी सिलेक्शन. और दूसरी जो इसकी डिसएडवांटेज है दैट इज विद दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इट मे ब्रिंग इन अ फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स एंड मेनी टाइम्स फ्रॉम क्वाइट अनसुटेबल कैंडिडेट्स. यानी कि कुछ कैंडिडेट्स जो सुटेबल नहीं भी हैं जॉब के लिए वो भी अपने बायोडेटास सबमिट कर देते हैं एंटरप्राइज में, एंड दैट इज़ वाई जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है थ्रू दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. नेक्स्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयज. बेसिकली ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इनक्रेज करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो रिकमेंड करें नेम्स ऑफ देयर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और एनी अदर नोन पर्सन्स फॉर एम्प्लॉयमेंट वेन एवर देर इज़ एनी वैकेंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो वो जो एप्लीकेंट्स हैं दे आर बेसिकली गुड एम्प्लॉयज़ एंड उनका जो बैकग्राउंड है दैट इज़ ऑल्सो सफिशियंटली नोन टू द एम्प्लॉयर. तो अंडर दिस मेथड अ टाइप ऑफ प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग टेक्स प्लेस. और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जनरली रिकमेंड करते हैं उन लोगों के नाम जो मैच करते हैं जॉब प्रोफाइल से. जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं दैट कैन बी आस्क्ड टू स्टैंड श्योरिटी फॉर देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जिनको सिलेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़. तो ये जो पॉलिसी है ये बेसिकली हेल्प करती है इन मेंटेनिंग द गुडविल ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ एंड फाइंडिंग द रिलायबल कैंडिडेट फॉर द वेकेंट जॉब पोजिशन. नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स. तो जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं ये बेसिकली नेशन वाइड सर्विस प्रोवाइड करती हैं ऑफ मैचिंग द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स. जिन ऑर्गेनाइजेशंस में डिमांड है फॉर एप्लीकेंट सो बेसिकली दैट डिमांड इज बीइंग मैच्ड विद द सप्लाई ऑफ द वर्कफोर्स विद द एप्लीकेंट हु हैज़ रजिस्टर्ड हिमसेल्फ विद प्लेसमेंट एजेंसीज. तो ये जो एजेंसीज हैं इन्वाइट करती हैं बायोडेटा फ्रॉम द जॉब सीकर्स और फिर इन बायोडेटाज को ये सेंड करते हैं टू सुटेबल क्लाइंट्स एंड फॉर दिस दे आर चार्जिंग सर्टेन फी फॉर देयर सर्विसेज. और जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती हैं टू रिक्रूट टेक्निकल प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल पर्सनल. ये स्पेशलाइज होते हैं मिडिल लेवल और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट्स में एंड दे कीप अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ पर्सन्स विद डिफरेंट क्वालिफिकेशंस स्किल्स. और कई बार ये एडवर्टाइज भी करते हैं जॉब्स को ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स टू रिक्रूट राइट टाइप ऑफ पर्सनल. इंडिया में ABC कंसल्टेंट्स, प्राइस वाटरहाउस एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम रिक्रूटिंग एजेंसीज. लास्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इज कैंपस रिक्रूटमेंट, जिसको हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के नाम से भी जानते हैं. तो जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं मैनेजमेंट के एंड टेक्नोलॉजी के, दे हैव एक्चुअली बिकम अ पॉपुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर टेक्निकल प्रोफेशनल एंड मैनेजीरियल जॉब्स. कई बड़ी कंपनीज जो हैं वो क्लोज लिंक रखती हैं विद देम सो दैट दे कैन रिक्रूट क्वालिफाइड पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स. तो कंपनीज जो हैं दे बेसिकली कंडक्ट सर्टेन इंटरव्यूज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड देन दे शॉर्टलिस्ट दीज कैंडिडेट्स. और कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे हैव प्लेसमेंट सेल्स ऑल्सो दैट इज हेल्पिंग एम्प्लॉयज इन देयर रिक्रूटमेंट एफर्ट्स. फॉर एग्जाम्पल्स कंपनीज जो हैं वो विजिट करती हैं इंस्टीट्यूट्स लाइक IIT, IIM फॉर कैंपस रिक्रूटमेंट. सो दीज आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. नाउ वी विल स्टार्ट अप विद द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. तो एक्सटर्नल सोर्सेज के कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं. लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. द फर्स्ट मेरिट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज कम्पिटिटिव स्पिरिट. अगर एक कंपनी एक्सटर्नल सोर्सेज से एप्लीकेंट को रिक्रूट कर रही है तो जो उसका एग्जिस्टिंग स्टाफ है दे विल हैव टू कम्पीट विद द आउटसाइडर्स एंड दे विल वर्क हार्डर टू शो बेटर परफॉर्मेंस इन दैट केस. तो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट प्रिवेल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड इज वाइडर चॉइस. जब हम वैकेंसीज को एडवर्टाइज कर रहे हैं वाइडली और लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो हैं बाहर से अप्लाई कर रहे हैं हम इन वैकेंसीज के लिए, तो मैनेजमेंट के पास वाइडर चॉइस अवेलेबल होती हैं वाइल दे हैव टू सिलेक्ट द पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट. थर्ड मेरिट इज क्वालिफाइड पर्सनल. एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को यूज़ करके मैनेजमेंट जो है इट कैन अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड ट्रेन पीपल
टू अप्लाई फॉर द वेकेंट जॉब्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी हमारी वैकेंसी अराइज हुई ऑर्गेनाइजेशन में, उन वैकेंसीज के लिए ऑर्गेनाइजेशंस आर एबल टू अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड ट्रेन पीपल फ्रॉम आउटसाइड. This is one of the advantage of external sources of recruitment. Next is fresh talent. Jo present employees hain, they may be insufficient or they may not be able to fulfill the specification of the jobs to be filled. जहाँ पे हमारी वैकेंसी अराइज हुई है, हो सकता है हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ में वो स्किल्स नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है टू फिल दैट पर्टिकुलर जॉब whose vacancy has been arised. तो जो external recruitment है ये एक wider choice provide करता है and it brings new blood in the organization. तो this is one of the merit of external source. Now let us discuss the demerits of external sources of recruitment. First is costly process. External source जो है कि costly process है, क्योंकि when we are recruiting staff from external source, huge amount is involved in that. A lot of money has to be spent on advertisement and processing of applications. Next demerit is lengthy process. Recruitment जो external sources से हम करते हैं, that takes a long time, क्योंकि business को जो है उसको notify करनी पड़ती है vacancies and then they have to wait for the applications to initiate the selection process. So that is why it becomes a lengthy process. लास्ट डीमेरिट इज डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ. जब हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से जॉब वैकेंसीज को फिल करते हैं, एट दैट टाइम इट लीड्स टू डिससेटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज. दे मे फील देयर चांसेस ऑफ प्रमोशंस आर रिड्यूस. सो दैट इज वाई डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.